छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में सरगर्मी छाई हुई है। केंद्रीय स्तर के नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि 30 आदिवासियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मिली जानकारी के अनुसार सुकमा से आए गायत्री परिवार के 30 आदिवासी सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन सभी लोगों को मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले बीते दिन 150 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा था। इन सभी को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। वहीं गायत्री परिवार के सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद में मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी कई और आदिवासी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। मैं आज मेरे विधानसभा के सुकमा जिला लिटरास ग्राम के लोग 31 लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं। मेरे को बार बार बुला रहे थे, हमारा गांव में आओ, 100-150 लोग ज्वाइन करेंगे। मैं इधर उधर बिजी कारण मैं इनके गांव नहीं जा पाया, अनकूद या चल के आए हैं पार्टी ज्वाइन करने। और भी लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि बस्तर बदल रहा है। बस्तर में नस्लट का गढ़ था, धीरे धीरे नस्लट खत्म हुआ, धीरे धीरे वहाँ का विकास, पुलिया हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो और आत्मनान स्कूल हो। अभी इनके गांव में बाजू में तोंगपाल है, तोंगपाल में तहसील खोल दिया, मैं तोंगपाल में आत्मनान स्कूल खोल दिया, तोंगपाल में डेबरी दूर के नाम से कॉलेज खोल दिया। इसलिए इन लोगों का भूपेश बघेल का नीति को, भूमिहीन किसान को पैसा, सिरा गुंडिया को पैसा, पुजारी लोगों को पैसा, मोरिया बजाने वाला उनको भी पैसा, और उनके बाद तुम्हारा आड़परिया उनको भी 7,000 रुपये सालाना देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। इसलिए गरीब, किसान, आदिवासी, व्यापारी भूपेश बघेल तरफ देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। बस्तर के लोग खासकर नेहरू गांधी परिवार को बहुत पसंद करते हैं। नेहरू गांधी परिवार है, स्वर्गीय राजू गांधी पंचायती राज लागू किया है, जंगल जमीन का पट्टा दिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आदिवासी के हित का बात नहीं करती। सेठ साहूकार, तुम्हारे अडानी, अंबानी, उनका बात करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अंतिम व्यक्ति को, महात्मा गांधी भी सोचा था कि अंतिम व्यक्ति को करना है, उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चलती है। कांग्रेस पार्टी का विकास आदिवासी है, आदिवासी को कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, उनके धर्म को, उसके रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमारा चिरा गुंडिया को पैसा दे रहा है, हमारे देवगुड़ी को बना रहा है। उसे कारण बस्तर के लोग, बस्तर बदलना है। आठ बजर क्लिनिक हॉस्पिटल गांव में जाना नहीं पड़ता है, बाजार में जाना पड़ता है, वहाँ डॉक्टर आ रहा है, वहाँ गोली दे रहा है। तो इस प्रकार जो सोसाइटी खोल रहा है, दान खरीद यार गांव में हो रहा है, तो इसका कारण आदिवासी लोग बहुत भूपेश बघेल का नीति को, नेहरू गांधी परिवार का नीति को पसंद करता है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।